हेलो नमस्ते, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक इन्वेंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए वन प्लस का एक बुलेट ईयरफोन का इन ईयर जो कि है इसका एक अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा वन प्लस का यहाँ पे बॉक्स, कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे वन प्लस का ब्रांडिंग, यहाँ पे इन ईयर का डिज़ाइन, यहाँ पे ईयरफोन। वहीं अगर ये साइड की बात करूँ तो कुछ नहीं, वहीं अगर पीछे की तरफ बात करूँ फ्रेंड्स, तो पीछे यहाँ पे कुछ उसका फीचर्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। प्रोडक्ट नेम यहाँ पे वन प्लस बुलेट ईयरफोन V2, मॉडल नंबर है इसका कुछ यहाँ पे, और यहीं पे कुछ दिया है उसका, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे लिखा गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका बाइंग लिंक मैं दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं अब। तो बहुत ही सिंपल सा बॉक्स है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप इसको ओपन कर सकते हैं इजीली तरीके से फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा यहाँ पे हेडफोन इन ईयर वाला। यहाँ पे नीचे लिखा गया है नेवर सेटल यहाँ पे, और यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल गाइड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप ये यूज़र मैनुअल यहाँ पे पढ़ के कुछ भी समझ सकते हैं कि कैसे इसको ऑपरेट किया जा सकता है। तो इसको भी मैं फ़िलहाल के लिए साइड में रख लेता हूँ। और यहाँ पे एक और यहाँ पे नेवर सेटल का बॉक्स मिल जाता है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। और यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे लिखा गया है वन प्लस का ब्रांडिंग। और बात करूँ तो इसके अंदर हमको यहाँ पे ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, आप अपने कान के अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये अच्छा है कि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ईयरबड्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं कि अगर आपके कान के अकॉर्डिंगली आप नया ईयरबड्स या फिर जो भी यूज़ कर सकते हैं उसको लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबको मैं हटा लेता हूँ, हमारा जो वन प्लस का बुलेट ईयरफोन है उसको यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा यहाँ पे ब्लू, ये बोल सकते हैं कि बुलेट ईयरफोन। यहाँ पे कुछ रैपिंग करके दिया गया है, तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है, एक बॉक्स में आता है। और यहाँ पे अब मैं पहले तो बात कर लेता हूँ इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी वायर की। तो कॉपर वायर यहाँ पे आपको कॉइल देखने को मिल जाता है, और बताया गया कि ये टेंजल फ्री वायर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसको भी मैं फिलहाल यहाँ से निकाल लेता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक टेंजल फ्री वायर बताया गया है, जो कि मैं थोड़ी देर में आपको दिखा देता हूँ कि क्या ये वाकई में टेंजल फ्री है कि नहीं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे ऐसे करता हूँ, फिर भी देख लेता हूँ ये निकलता है कि नहीं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, जी हाँ, ये एक टेंजल फ्री बोल सकते हैं कि ये आता है टेंजल फ्री वायर। ये बहुत ही अच्छा है कि टेंजल फ्री देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे 3.5 mm का यहाँ पे जैक मिलता है फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स इसके ईयरबड्स की क्वालिटी की बात करूँ तो देख सकते हैं राइट लिखा गया है, और यहाँ पे पीछे एक अच्छा खासा एक डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे प्रीमियम फिनिश का यहाँ पे आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, वाइट कलर का है ये, देख लीजिए कुछ इस तरीके से मिल जाता है। और वहीं अगर लेफ्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे भी देख लीजिए कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी एल मेंशन किया गया है। ये बहुत ही अच्छा है कि यार डिज़ाइन लुक वाइज ये बहुत ही प्रीमियम एक हम लोगों को यहाँ पे लुक दिख जाता है इस वन प्लस के बुलेट ईयरफोन्स का। फ्रेंड्स, हमको इसके साथ एक माइक यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे प्लस माइनस का बटन यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि वॉल्यूम के लिए काम आएगा। और यहाँ पे एक मल्टी फंक्शनल रूप बटन के रूप में काम आएगा, जो कि कॉल उठाने, कॉल कट करने के लिए काम में आ जाएगा। और यहाँ पे पीछे आपको एक वन प्लस का यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, ये एक माइक्रोफोन की तरह ये काम करने वाला है फ्रेंड्स। देख लीजिए कुछ इस तरीके से मिलता है फ्रेंड्स। इसको यहाँ पे फ़ोन के साथ मैंने कनेक्ट कर लिया है, और एक कार्टून का NCS वाला म्यूज़िक मैं यहाँ पे प्ले करके आप लोग को सुना देता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यही था इस वन प्लस के बोल सकते हैं कि बुलेट ईयरफोन इन ईयर का एक अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू। साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाता है। 1200 रुपीज़ में प्राइस है इसका। मैं बात करूँ साउंड की तो अच्छा मिल जाता है, बेस की तो आपको डिसेंट बेस मिल जाता है, बहुत ज़्यादा भी आप लाउड मत समझिए कि आपको एकदम
अच्छे से मिले। वोकल्स की बात करें तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे को सुनने में दिखे हैं। जितना फिलहाल मैंने यूज़ किया है, ट्रेबल की बात करें तो वो भी एक अच्छे से मिलता है आपको। और साउंड मतलब क्लैरिफिकेशन नहीं, साउंड क्लैरिटी की बात करूँ, जो कि आपको कितने अच्छे तरीके से साउंड यहाँ पे मिलता है या फिर म्यूज़िक की क्वालिटी मिलती है, तो वो भी बहुत ही अच्छा है, डिसेंट मैं बोलूँगा। बहुत ज़्यादा भी आप एक्सपेक्ट मत करिए, लेकिन 1200 रुपये में ये एक बोल सकते हैं कि किलर यहाँ पे इन ईयर ईयरफोन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है वन प्लस की तरफ से। तो मेरे हिसाब से अगर 1200 रुपये आपका बजट है तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि एक टेंजल फ्री है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बंडी टेक यूट्यूब चैनल के साथ। बोलते रहिए जय हिंद, पीस आउट।